हेलो एवरीवन, सो आज हम फाइनेंशियल मार्केट में टॉपिक पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज का. स्टॉक मींस सिक्योरिटीज, एक्सचेंज मींस द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. तो स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे बाय या सेल किया जाता है. तो स्टॉक एक्सचेंज का मेन पर्पज़ होता है लिक्विडिटी लाना, इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी को लाना. देखो, अगर एक मार्केट है जहाँ पर शेयर्स को आप बेच सकते हो, जब चाहो खरीद सकते हो, जब चाहो आप सिक्योरिटीज़ को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इससे इन्वेस्टमेंट में क्या आती है, लिक्विडिटी आती है. और साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स में सेफ्टी भी लाता है. आज से पहले बहुत स्कैम्स होते थे शेयर मार्केट में, बट ड्यू टू स्टॉक एक्सचेंज एक गाइडलाइंस होती है, प्रॉपर रेगुलेशंस होते हैं, जिससे सब कंट्रोल में रहता है. वन मोर टर्म विच इज़ यूज इन कंटेक्सट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स. स्टॉक मार्केट मतलब एक तरह की वो मार्केट जहाँ पर स्टॉक में डीलिंग होती है. इंडेक्स का मतलब है रिकॉर्ड को शो करना. तो एज यू कैन सी इन टूल की 12, स्टॉक मार्केट इंडेक्स रेफर टू दैट इंडेक्स विच एग्जिबिट्स द ट्रेंड इन द सेम मार्केट, सॉरी इन द शेयर मार्केट. इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज. कुछ कंपनीज जिनके शेयर्स बाइंग और सेलिंग में होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं शेयर्स, उन शेयर्स के बिहाफ पे शेयर मार्केट की रिपोर्ट दी जाती है. लाइक सेंसेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देर आर सो मेनी स्टॉक एक्सचेंज. हमने भी पढ़ा ना कि जो स्टॉक एक्सचेंज है कई तरीके के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इस तरीके से कई स्टॉक एक्सचेंज है. स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैरोमीटर भी समझा जाता है. जब शेयर्स के प्राइस हाई होते हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट ये बताती है कि कितना मनी इंडस्ट्री में फ्लो कर रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज. मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर सिक्योरिटीज इश्यूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर सोल्ड एंड परचेस्ड. बेसिकली ये सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू की जा चुकी है, उन सिक्योरिटीज में डील करना. इट इंक्लूड्स व्हेन वी से सिक्योरिटी देन इट मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड ऑल. Let's read the definition of stock exchange according to Security Contract Regulation Act 1956. Stock exchange means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities. स्टॉक एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, और वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या तो इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है और नॉट इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है. बट जो इनके एस्टैब्लिशमेंट का मेन पर्पज़ होता है सिक्योरिटीज़ में जो डीलिंग होती है, व्हेन वी से डीलिंग इन सिक्योरिटी देन इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज़ को असिस्ट करना, रेगुलेट करना एंड कंट्रोल करना. लेट्स रीड वन मोर टर्म फ्रॉम टूलकिट 13 विच इज़ इन कंटेक्स्ट विद स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ सेंसेक्स. The index showing the rise and fall in the market price of shares on the basis of 30 companies of Bombay Stock Exchange is called Sensex. Bombay Stock Exchange ki 30 companies ke share ko dekhte hue ye decide ki ye jo show karna ki market price mein up hua hai ya down hua hai, ise Sensex kehte hain. अगर सेंसेक्स हाई जाता है तो इट इंडिकेट्स द प्रोस्पैरिटी ऑफ द कंपनीज, इन्वेस्टर को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है. यानी कि अगर मार्केट में सेम शेयर खरीदे जाए तो उसके लिए फेस वैल्यू कम होगी बट प्राइस हाई पे करना होगा. और वेयर एज निफ्टी का मतलब होता है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनीज को देख कर जो मार्केट शेयर का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है. सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है. सेंसेक्स में 30 कंपनीज देखी जाती हैं और निफ्टी में 50 कंपनीज देखी जाती है. यू कैन रिमेंबर इट बाय निफ्टी 50 एज दे हैव सेम राइम. लेट्स रीड नाउ फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है.
हर स्टॉक एक्सचेंज की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसके पास इस एक्सचेंज को मैनेज करने का और कंट्रोल करने के सभी राइट्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शन को किया जाता है उसे एक डेफिनेट प्रोसीजर में ही किया जाता है। सेकेंड इज़ डीलिंग इन सिक्योरिटीज इशूड बाई वेरियस कंसर्न्स। इट मीन्स सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग होती है ये। ओनली दो सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज विच आर लिस्टेड देयर। जिन सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रखे हैं सिर्फ उन्हीं में डील कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का नेम लिस्टेड ही नहीं है तो वो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज डीलिंग ओनली थ्रू ऑथोराइज्ड मेंबर। जो ये सेल और परचेज का काम होगा ये एक ऑथोराइज्ड मेंबर के थ्रू होगा। स्टॉक एक्सचेंज वो एक मार्केट है जहाँ पर सिर्फ ऑथोराइज्ड मेंबर ही जा सकता है। इन्वेस्टर को सेल परचेज एक्टिविटी में उस ऑथोराइज्ड मेंबर की हेल्प लेनी होगी। लुक एट द टूल किट 14। इट इज़ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो सिक्योरिटीज़ में डील कर सके, किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटीज़ में डील कर सके, तो उसे पहले परमिशन लेनी होगी उस स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजिंग कमेटी से, और आफ्टर दैट ही उस स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग की जा सकती है। तो जो ये प्रोसेस है, उस परमिशन लेने का जो ये प्रोसेस है, इसे बोला जाता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। फोर्थ पॉइंट इज़ नेसेसिटी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज। जो भी स्टॉक एक्सचेंज ने रूल्स डिटरमाइन किए हैं वो फॉलो करने रिक्वायर्ड है। नाउ लेट्स रीड फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट वेयर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। सो इन दिस वे इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट हिज मनी एंड ऑल्सो दे कैन रिकन्वर्ट द इन्वेस्टमेंट इन टू कैश विच वी कॉल लिक्विडिटी। एंड हमेशा मार्केट अवेलेबल रहती है, उस मार्केट में सेल परचेज का काम किया जा सकता है, तो ये मार्केटेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज़ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। जो स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी शेयर के प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते हैं ना, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे किए जाते हैं। इट मीन्स उन शेयर्स की कितनी मार्केट में डिमांड है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतने ही प्राइजेस हाई होंगे, जितनी डिमांड कम होती है उतने ही प्राइजेस लो होते हैं। एंड ऑल्सो द फैक्टर डिपेंड्स ऑन सप्लाई एज वेल। अगर सप्लाई ही कंपनी की तरफ से लिमिटेड है तो प्राइजेस हाई होते हैं, बट अगर सप्लाई हाई है तो प्राइजेस कम हो सकते हैं। सो डिमांड और सप्लाई के दोनों फैक्टर्स से मिलकर ये डिटरमाइन होता है, जहाँ इक्विलिब्रियम हो जाता है वहाँ डिटरमाइन हो जाता है सिक्योरिटी के प्राइसेस। थर्ड इज़ सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक एक्सचेंज को बनाने का पर्पज़ ही यही था कि जो स्कैम्स होते हैं शेयर्स में वो ना हो, इन्वेस्टर्स को हार्म ना हो, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिले। हर स्टॉक एक्सचेंज के अपने रूल्स हैं विच दे हैव टू फॉलो। एवरीवन जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको फॉलो करना पड़ेगा, और कंपनी में लिस्ट होने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, तो जिससे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज से इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है, देखो कभी भी कोई भी इन शेयर्स को ख़रीद सकता है, तो इससे क्या होता है कि जो सेविंग्स है लोगों की वो चैनलाइज हो जाती है। जिसे मनी की ज़रूरत होती है वो शेयर्स को सेल करता है, और दूसरी तरफ जिसके पास मनी अवेलेबल होता है, एक्स्ट्रा में होता है, एक्सेस में होता है, वो अपने मनी को चैनलाइज कर सकता है, विच डेफिनेटली विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमी। एंड ऑल्सो जब शेयर्स के प्राइस हाई हो जाते हैं तो उन्हें सेल करके एक्स्ट्रा मनी भी अर्न किया जा सकता है। एंड शेयर्स की वैल्यू हाई होना, इट मीन्स इट शोज डेवलपमेंट इन इकोनॉमी। फिफ्थ वन इज़ स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी को इक्विटी में इन्वेस्ट करें। फॉर दैट जो भी कंपनीज है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास होते हैं, जो अपनी साइट पर पब्लिश की जाती है। इससे इन्वेस्टर्स को उसके बारे में नॉलेज मिल जाती है, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नॉलेज मिल जाती है, जिससे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है नाउ ही कैन गेट फ्रॉम दैट साइट्स। नेक्स्ट वन इज़ रतन एंड रमा, बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों ही अपनी अपनी कंपनीज में मैनेजर की पोस्ट पर है। रतन की कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डेवलप किया है, और रतन चाहता है कि वो कंपनी से इस फॉर्मूला को दूर रखे, और CEO ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रतन को दी है। एक रतन का एक फ्रेंड है, उसने एडवाइस दिया कि क्यों ना तो इस फॉर्मूले को पेटेंट करवा ले।
बट वो ये नहीं करवाना चाहता, क्योंकि अगर वो पेटेंट करवाता है तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तो इससे वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रह जाएगी। There are in total 7 stock exchanges which are actively functioning in India, and the list is here: BSE Limited in Mumbai, Calcutta Stock Exchange Limited in Kolkata, India International Exchange in Gujarat, Mukt Stock Exchange in Bihar, Metropolitan Stock Exchange of India Limited in Mumbai, National Stock Exchange of India Limited, Mumbai, NSE/IFSC Limited, Gujarat. So that's it for today. I hope you understood today's lecture. In case of any doubt, you can contact me, and as a homework, you have to learn this topic. Thank you.